जो हाफिज सईद साहब बोलते हैं, जो लोग पाकिस्तानी हिंदुओं पे बात नहीं करना चाहते, हिंदू बेटियों पे बात नहीं करना चाहते, ऐसे दोगले लोगों को क्यों सब्सक्राइब करना है? चलो राशन मैं भी नहीं डाल रही, लेकिन क्या आपके घर में राशन डाल रहे हैं क्या वो? और ना उनकी गवर्नमेंट डाल रही है आपके घर में राशन, तो क्यों करना है उनको सपोर्ट? जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आर एन लेडी ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब? काफ़ी दिनों से कोई मेरी लॉन्ग वीडियो नहीं आई थी, तो लेके आ गई वीडियो। बहुत लोग सोच रहे थे कि मैंने यूट्यूब छोड़ दिया है, वीडियो बनाना छोड़ दिया है, पाकिस्तानियों से मैं डर गई इसलिए मैं उन पर वीडियो नहीं बना रही हूँ। तो ये सबसे बड़ी गलत फहमी है, वीडियो तो अब बनती है, बनती रहेगी, शॉर्ट्स भी आते रहते हैं और उनका बैंड बचते रहता है। तो जैसे कि मैं काफ़ी टाइम से बोल रही हूँ, बायकॉट पाकिस्तानी चैनल्स, बायकॉट पाकिस्तानी फेक इन्फ्लुएंसर्स, क्योंकि ये वो इन्फ्लुएंसर्स हैं जो 200, 300, 500 में फेक रिएक्शन चैनल्स बनाते हैं और कहते हैं कि इंडिया से अच्छा देश कोई नहीं है। ठीक है, चलिए ये बात तो सच कहते हैं, इंडिया से अच्छा कोई देश नहीं है, भले पैसा दे के कहलवाए अपने देशवासियों को। लेकिन आज जो वीडियो मैं लेके आई हूँ, बिलीव मी, सबको बहुत पसंद आने वाला है। मैंने आप लोगों की वजह से, देखो वैसे तो मैं कोई वीडियो पहले नहीं देखती, ना ही मैं प्रिपरेशन करती हूँ। मज़ा आता है जब मैं अपनी YouTube फैमिली के साथ बैठती हूँ, देखती हूँ और अपना ऑनेस्ट रिएक्शन देती हूँ। तो भाई मुद्दा चाहे जो भी हो, लेकिन पाकिस्तानियों की पिलाई इनके बैंड बजाना, क्योंकि ये वो चू की जमात है जो कभी सुधर नहीं सकती। पर पता नहीं क्यों, जहाँ एक इंडियन यूट्यूबर वीडियो बनाता है और जहाँ एक पाकिस्तानी यूट्यूबर वीडियो बनाता है, सबसे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को। और वो समझ में नहीं आता है क्यों, क्या हमारे देश में इतनी मोहब्बत है इन आतंकी देशवासियों से? क्या आप लोग सोचते हैं कि इंडियन यूट्यूबर्स तो मेहनत ही नहीं करते, सारी मेहनत ही पाकिस्तानीज करते हैं, अपनी जान खतरे में डाल के ये भीड़ में जाते हैं एंड इंटरव्यूज़ लेते हैं? भाई सुनो, ये सारे ना ISI एजेंट्स हैं जिनके सबसे बड़े बाप दादा साहब बैठे हुए हैं, जो पैसा खा रहे हैं, पैसे पे दुनिया चल रही है, ये बात आप जानते हो। तो ये जितने भी हैं ना, ये सब पैसे खाओ पार्टी है, इसलिए इन लोगों को कुछ नहीं कहा जाता और इन लोगों के साथ कोई हरकत नहीं होती। क्योंकि लेटेस्ट आप देखो, ईरान में सिर्फ एक महिला ने बुरखा नहीं लगाया था, उन्होंने हिजाब नहीं लगाया था, उसकी रीढ़ की हड्डी में गोली मार कर उसे गिरा दिया गया। तो अब मैं क्या कहूँ, सारी चीज़ें सामने हैं। तो आज जो वीडियो में मैं रिएक्शन देने वाली हूँ वो पठान भाई की है, और लिटरली मैं बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हूँ पठान भाई की वीडियोस, क्योंकि वो, मतलब आप सोचो वो इंडियन नहीं है, बट वो स्टार्टिंग से ही कह रहे हैं कि बायकॉट करो, ये ISI एजेंट्स हैं और सच में ये हैं। तो आज पहले पठान भाई की वीडियो देखते हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं, फिर हम देंगे ऑनेस्ट रिएक्शन। लेकिन वीडियो पे कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना, क्योंकि इंडिया में भी ना बड़े चापलूस बैठे हैं यार पाकिस्तानियों के, और पता नहीं पाकिस्तान से इनके लिए क्या आ रहा है जो हमें नहीं पता चल रहा। आओ देखते हैं पहले वीडियो, फिर करेंगे ऑनेस्ट रिएक्शन। मैंने आज से लगभग एक साल ही ले लें आप, एक साल तो हो गया, एक साल पहले मैंने 3-4 वीडियो बनाई थी, और सबसे पहले वीडियो मैंने बनाई थी ये पड़ोसी की मीडिया को एक्सपोज करने के लिए कि माय पस विजिट टू इंडिया, आपको याद है? अगर याद नहीं है तो मेरे चैनल्स पे, दोनों चैनल्स पे, इस पे भी और दूसरे वाले रिएक्शन पे भी आप जाके सर्च करें, माय फर्स्ट विजिट टू दिल्ली, माय फर्स्ट विजिट टू मुंबई, जो वहाँ से बैठ के मोबाइल से यहाँ पे जो है जवान का बच्चा हिंदुस्तान में जो है बाइक पे बैठ के या रिक्शे में या गाड़ी में बैठ के मोबाइल ऑन करके लाइव टेलीकास्ट ब्रॉडकास्ट जो है वो पाकिस्तानी मीडिया को जो है शेयर करवाता था। ये देख, वही बात आज एक साल बाद मेजर गौरव आर्या साहब ने की है। वो जो बंदा है जो चाइनीज़ है, जो पकड़ा गया USA चाइना के बीच में, यही काम कर रहा था, उसको लेके मेजर गौरव आर्या साहब ने एक वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो आप शॉपिंग मॉल दिखा रहे हो, कभी सड़क दिखा रहे हो, कभी मंदिर दिखा रहे हो, कभी मस्जिद दिखा रहे हो, हाँ यार यहाँ पे तो पाकिस्तानी बोलते हैं, हमारे इधर आ तो बड़ी टट्टी पड़ी हुई है सड़कों पर, जरा सड़क दिखाओ, कभी कैंट दिखाओ, कभी यार आर्मी का बेस दिखा दो, आर्मी कहाँ रहती है यार, हमारे तो ऐसे गंदे गंदे हैं, ये पूरी जाड़ियाँ लगाई होती हैं, हम वहाँ जा भी नहीं सकते, तुम अपना दिखाओ, तुम कितना फ्रेंडली हो अपने आर्मी के साथ। तो फिर हिंदुस्तान से जो है वो जवान खड़े होकर ना फिर वहाँ पे जाके आर्मी कैंट की भी वीडियो बना बना के उधर सेंड कर रहे हैं, और पाकिस्तानी जो है यूट्यूब चैनल्स जितने भी बने हुए इनको सपोर्ट करें। देखें, आपको क्या लग रहा है, आपको लग रहा है कि ये सारी बातें जो लोग मीडिया पे कर रहे हैं, मैं पिछले एक साल से आप लोगों को खबरदार कर रहा हूँ, पिछले एक साल से समझा रहा हूँ, आपके समझ में नहीं आ रही।
हिंदुस्तान से बहुत सारे यूट्यूबर समझा रहे हैं, आप लोगों के समझ में नहीं आ रही और आप बड़ी आसानी से सारा मलबा उठा के ये मैं यहाँ पर रोकना चाहूँगी। पठान भाई ने बहुत क्लियरली कहा कि हिंदुस्तान से आपको एक साल से यूट्यूबर्स भी समझा रहे हैं। भाई मैं समझा रही हूँ, मैंने जब ये चैनल ही बनाया था तो मेरा मुद्दा ही यही था, बायकॉट करो, बंद करो, क्योंकि जब तक आप इनकी कमर नहीं तोड़ोगे ये कभी भी डाउन नहीं जाएंगे, क्योंकि जितनी जीडीपी इनकी मतलब सिर्फ यूट्यूब सोशल मीडिया से बढ़ रही है ना भाई, वहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है, और है तो बताओ ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है। हाँ, आतंकवाद बढ़ाने की इंडस्ट्री जरूर है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जितने भी हैं ये हिंदुस्तान के मुस्लिम हैं, ये तुम लोग गलत हो। ये हिंदुस्तान के मुस्लिम नहीं देखते उनकी वीडियोस, ये सब हिंदू देखते हैं। और बहुत सारे लोग बोलते हैं ये सेकुलर हिंदू है जो वहाँ पे हिंदुस्तान में गद्दार है। कौन हूँ मैं? अफगानिस्तान का हूँ। और फिर उस टाइम मेरे को एक दो साल जो है हिंदुस्तान के लिए भूलने के लिए हुए थे, ना कोई मुझे जानता था। नहीं, मैं नहीं कह रहा कि उन लोगों की वजह से मैं हिंदुस्तान जाके बस वो सब कुछ जो है मुझे मिल गया जो वो लोग बोल रहे थे। नहीं नहीं, वो तो सरकार फैसला करती है कौन आएगा कौन नहीं आएगा, लेकिन मैं लोगों के दिमाग बता रहा हूँ कितने कमज़ोर दिमाग हैं। हिंदुस्तान को हिंदुस्तान की आवाम ने नहीं संभाल के रखा, हिंदुस्तान की सरकार ने संभाल के रखा है। यार ये हिंदुस्तान में हमें तो यही सुना था कि इतने एजुकेटेड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन यार ये इतने साथ में इतने बिना दिमाग के हैं कि ये किसी और कंट्री के किसी बंदे को अपने देश में चुनाव लड़ने के लिए बुला रहे हैं। इतनी बड़ी कंट्री, 150 करोड़ आवाम, मुझे बुला रहे हैं चुनाव में खड़े होने के लिए। देखें वो बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे सीमा हैदर का दिखा रहा हूँ। सीमा हैदर वही है, ये देखो आई क्या है, सीमा हैदर है क्या, बाघ क्या आई है पाकिस्तान से, बच्चे उठा के लाई है। मैं सीमा हैदर को बिल्कुल ना पहले सपोर्ट करता था ना आज उसको, भाई मोदी जी की तस्वीर पीछे लगाई है और पार्टी के जो है वो झंडे और नाच रही, क्या है यार ये क्या है? क्या बीजेपी पार्टी को अब सीमा हैदर की जरूरत पड़ गई? मुझे, मैंने बोल रहा कि ये पार्टी के बड़े लोग करवा रहे हैं, ये वही छोटे मोटे लोग हैं गांव शहर के रहने वाले जिन जो बिना दिमाग के हैं, उनको लग रहा है यार ये थोड़ी बहुत सेलिब्रिटी हो गई, चलो इनसे हमें वोट मिलेगा। तो इसको कहते हैं बेवकूफ़ी। और अब वही मसला बढ़ बढ़ के पाकिस्तान तक पहुँच गया है। भाई हम तो नहीं गए हिंदुस्तान, जा तो सकते थे पिछले 7-8 साल से, हम नहीं गए, लेकिन अब पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को सर पे चढ़ाया हुआ है। मुझे नहीं पता कि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को क्या क्या ईमेल करते होंगे हिंदुस्तान से, भाई आ जाओ आपको प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं, भाई आ जाओ आपको सीएम बना देते हैं, भाई आ जाओ आपको जो है जनरल गवर्नर बना देते हैं, डीएसपी बना देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब ये बातें बहुत सारे जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको लग रहा होगा कि ये तू पागल है, ये बातें कर रहा है, ये तो प्यार है हम दे रहे हैं, कहावत है। इस कहावत को गौर से सुनिए। एक कहावत है हमारे देश में, बड़े बुजुर्ग बोलते थे, ना इतना तेज बनो मिर्ची की तरह कि लोग तुम्हें फेंक दे, ना इतना तेज बनो मिर्ची की तरह कि लोग तुम्हें फेंक दे, और ना बनो मिठाई कि लोग तुम्हें खा जाए, नॉर्मल रहो हमेशा। अजीब बात तो ये है कि हमने अपनी पूरे कैरियर में, पूरी ज़िंदगी में हमने पाकिस्तान से एक अरशद नदीम की एक वीडियो बना के तारीफ़ की। पहले तो उस पर व्यू नहीं आए, 6,000-7,000 व्यू आए, क्योंकि उस पर हमने अरशद नदीम की तारीफ़ की, और अरशद नदीम की तारीफ़ तो खुद नीरज चोपड़ा की मम्मी ने भी की। दूसरी बात, उसी वीडियो पर लोग बोल रहे हैं भाई पाकिस्तान की तारीफ़ मत किया कर, हमारे सामने पाकिस्तान की तारीफ़ मत किया कर। तो ये क्या हुआ? दोगलापन। अगर हमने एक अच्छे स्पोर्ट्समैन की तारीफ की तो हमारे मुंह से सुन के जलन हुई, हमारे सब्सक्राइबर्स को, हिंदुस्तान के लोगों को जलन हुई, बुरा लगा, लेकिन खुद जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को दिन रात देख रहे हैं, चैनल पे बुला रहे हैं, सुपर चैट कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, अपने देश का कोना कोना चप्पा चप्पा दिखा रहे हैं, पार्टी में मिला के नचवा रहे हैं, उन्हें नेता बनाने के लिए इन्वाइट कर रहे हैं, वो कुछ नहीं है, वो पाकिस्तान का साथ देना कुछ नहीं है। हमारी एक वीडियो और तुम्हारे हर रोज़ के कारनामे वो सब भूल के हमारी वीडियो पे नज़रें डाल दी, तो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के लोगों को, स्पेशली जो मीडिया पे लोग हैं, जो मीडिया के लोग हैं, या तो मीडिया पे ये सारे अनपढ़ जाहिल जमा हुए हैं,
जिनके पास ना बुद्धि है ना दिमाग है, या तो सब कुछ इनको पता है, एजुकेटेड भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, फिर तो गद्दार हैं ये अपने देश के। कुछ तो है, ये दो बातों में से एक बात तो है, या तो गद्दार हो देश के, या तो बेवकूफ़ और जाहिल हो। तुम लोगों को पता है जब अजमल कसाब का हमला हुआ था हिंदुस्तान में, तो उन लोगों को हिंदुस्तान के बारे में कुछ नहीं पता था। वीडियो के जरिए एक बंदा पाकिस्तान में बैठ के कराची में, वो उसको गली गली का पता था हिंदुस्तान का, वो वहां से इनको गली गली का बता रहा था कहां से घूमना है कहां से जाना है। फिर भी तुम लोग बेवकूफ हो और हम तुम्हारे जैसे बेवकूफ नहीं है। सच बोलूं तो मेरे चैनल्स पे 100% में से सिर्फ 30% लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो सच्चे हिंदुस्तानी हैं। 70% जो लोग हैं ना, बेवकूफ, जाहिल, गद्दार, बिना बुद्धि के, बिना दिमाग के, गाली बकने वाले, गलत बात करने वाले, जिनके ना दिमाग है ना बुद्धि है, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल लेते हैं। बड़ा एग्जाम्पल आप जाके देखिए, मैंने यूएसए पे वीडियो बनाई, A to Z सारे कमेंट जाके पढ़िए, वो 30% लोग क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि यू आर राइट सर, आप सही बोल रहे हो। वो 70% लोग क्या बोल रहे हैं, अरे भाई अमेरिका की मजाल है, जरा हिंदुस्तान, हम चीड़ फाड़ देंगे अमेरिका को, हम ये कर देंगे। इनके समझ में ये नहीं आ रहा कि अमेरिका डायरेक्टली किसी पे हमला नहीं करता, वो एक दो बार कर चुका है, वियतनाम, अफगानिस्तान जैसे, वहाँ से घुटने टूट गए उसके, भाग गया। वो करता क्या है, उसी देश के उसी लोगों से उनकी हालत खराब करवाता है। कहीं पे शिया मुस्लिम का खड़ा करवा दिया, कहीं पे हिंदू मुस्लिम का खड़ा करवा दिया, आपस में लड़वा दिया। क्यों, अभी इलेक्शन में नरेंद्र मोदी जी को कितनी जगहों पे हार हुई, कल को क्या होगा, आने वाले इलेक्शन में क्या होगा। सोच के, दिमाग से अगर कोई भी बात किसी की सुनी हुई सोचोगे टंडे दिमाग से, तो आपके समझ में गेम पूरा आ जाएगा। लेकिन आपको ये पता चला, यार ये पठान ने क्या बोल दिया, यूएसए हिंदुस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हम देख लेंगे, ये तो भाई जज्बात में जो लोग होते हैं ना, जो गर्म दिमाग के होते हैं, वो कभी भी नहीं जीत सकते। वो ना लेक्चर में जीत सकते हैं, ना जंग के मैदान में जीत सकते हैं। और जो लोग सोच के बात करते हैं, सोच समझ कर किसी को कुछ बोलते हैं, किसी का सुन के सोच समझ कर रिप्लाई करते हैं, वही दुनिया में कामयाब रहते हैं। तो लव यू दोस्तों, आप लोगों को अगर ये बातें मेजर गौरव आर्या सर की वीडियो जाके देखिए वो समझ में आई हो, या हमारी बातें, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय बाय। बहुत बढ़िया वीडियो बनाई है पठान भाई ने, बहुत बहुत ज़्यादा बढ़िया वीडियो बनाई है। एक्चुअली दोगलापन है, सब्सक्राइबर्स के बीच भी दोगलापन है, काफ़ी लोग हमें भी सब्सक्राइब करके रखे हुए हैं। मान लो मेरे पास जितने भी सब्सक्राइबर है उसमें से जो मुस्लिम्स भी हैं, इंडियन मुस्लिम्स, उनका क्लियर कहना है हमने कोई पाकिस्तानी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। और अगर आप पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के चैनल पर जाओगे, आप उनके कमेंट सेक्शंस खोलो, आपको इंडियंस में आप देखो कि मुस्लिम और नॉन मुस्लिम्स कितने लोगों ने उनको फॉलो किया है। मतलब हमारे इंडिया में बैठे हुए ऐसे ऐसे लोग हैं जो उन लोगों को देवी देवता की उपाधि दे चुके हैं। आपको बिलीव ना हो तो आप कमेंट सेक्शंस में देख लो कि इंडिया के ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिनको मॉर्निंग में पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को देख के मोटिवेशन आता है, उनको खुशी मिलती है, उनका दिन बढ़ा जाता है। जी हाँ, तो फिर दोगलापन तो है ना ये चीज़। और ये भी बात पठान भाई की बहुत सही है कि जब अर्शद नदीम ने नीरज चोपड़ा के साथ जो इस ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल किया, जिसमें हमारे नीरज चोपड़ा को मिला था सिल्वर, वहाँ पर काफ़ी काफ़ी लोगों ने चलो अप्रिशिएट किया, क्योंकि वो एक स्पोर्ट्समैनशिप है। आप एक अच्छे स्पोर्ट्समैन को बधाई देते हो, लेकिन फिर देखो आप एक चीज़, अगर कोई इंडियन बधाई दे रहा है तो दूसरा इंडियन उसको बोल रहा है, और इस तरह से इनको भी ट्रॉल किया गया है, जो कि गलत है। पठान भाई ने शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही इंडिया को सपोर्ट किया है और अवेयर किया है। फर्स्ट विजिट ऑफ इंडिया बिल्कुल पठान भाई का ही निकाला हुआ था, जिसको बाद में हमने भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में लाया और हमने भी इसे फॉलो किया था। दोस्तों सिंपल सा रूल है, अगर आप किसी को पसंद नहीं करते हो या अगर आपको लगता है कि ये चीज़ हमारे लिए सही नहीं है, तो क्यों दोगलापन दिखाना, नहीं पसंद नहीं पसंद, क्लियर सी बात है। और रही पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स या ये फेक रिएक्शन चैनल, एक्चुअली दे आर नॉट इन्फ्लुएंसर्स, दे आर फेक रिएक्शन चैनल्स, जो लोग हमारे इंडिया को दहशतगर्द मुल्क बोलते हैं, जो हाफिज़ सईद साहब बोलते हैं, जो लोग पाकिस्तानी हिंदुओं पे बात नहीं करना चाहते, हिंदू बेटियों पे बात नहीं करना चाहते, ऐसे दोगले लोगों को क्यों सब्सक्राइब करना है। मैं ये नहीं कह रही मेरा चैनल सब्सक्राइब करो,
बट उन्हें क्यों सब्सक्राइब करना है, उन्हें क्यों अपने अर्निंग दिलानी है, सुपर चैट्स दिलाने हैं? ये तो गलत है ना, जो इंडिया को सपोर्ट कर रहा है आप उसको ट्रॉल कर रहे हो, जो इंडिया को दोगलापन दिखा रहा है आप उनको सपोर्ट कर रहे हो। तो जितने लोगों के पास आज मेरा ये वीडियो गया है, प्लीज़ बी अलर्ट, चाहे आपको जो बोलना है बोलिए, बट सच यही है कि पाकिस्तान कभी नहीं सुधर सकता। ये वो देश है जिसको मौका मिले तो ये इंडिया पे एनी टाइम आक्रमण कर दे या एनी टाइम फाइट कर दे, क्योंकि ये लोग ना एक ऐसे आतंकी देश से बिलोंग करते हैं, एक्चुअली बिलोंग नहीं करते, ये खुद एक आतंकी देश है। आप 2024 का जितना भी अभी आप देखो, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, अनंतनाग हो, कहीं भी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी ही फर्स्ट अटैक करते हैं, हम नहीं कर रहे। लेकिन तब भी भाई हम उनके रिएक्शन चैनल्स देखेंगे, हम उन्हें सपोर्ट करेंगे। भाई आपके घर में राशन डाल रहे हैं, चलो राशन मैं भी नहीं डाल रही, लेकिन क्या आपके घर में राशन डाल रहे हैं क्या वो? और ना उनकी गवर्नमेंट डाल रही है आपके घर में राशन, तो क्यों करना है उनको सपोर्ट? तो दोस्तों ये बड़ा मुद्दा है, आपको बायकॉट करना होगा, आज नहीं तो कल करोगे। लेकिन जिस दिन आपको ये बात पता चलेगी कि ये हमारे पीछे कितना बड़ा ब्लाइंड गेम, हमारे पीछे कितना बड़ा गेम खेला जा रहा है, जिसमें इंडिया को ही डाउन करने के लिए एक साइबर अटैक हो रहा है, और कैसे अटैक हो रहा है इस पर मैंने वीडियोस बनाया हुआ है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई हम पठान भाई को सपोर्ट करते हैं, फुल सपोर्ट मैं तो खुद करती हूँ, मैं क्लियर बोलती हूँ, एलईडी ऑफिशियल से मैं फुल पठान भाई को सपोर्ट करती हूँ। इन्होंने जो भी पॉइंट बोला है बिल्कुल क्लियर बोला, और लास्ट काफ़ी टाइम से ये कह रहे हैं, पर अभी भी जो एक पोर्की लवर्स हैं, जो जिनके घर में पाकिस्तानी राशन डाल रहे हैं, जिनको हर मंथ पैसा भेज रहे हैं, या उनके घर के पढ़ाई में, बच्चों को बड़ा करने में, सब में सपोर्ट करें तो कीजिए सपोर्ट, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भाई हम नहीं करते, ना आज करेंगे, ना कल करेंगे, ना कभी करेंगे। अगर ये गंगा नहा लेना तो भी ये शुद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि इनकी आत्माएँ शुद्ध नहीं हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को शेयर करें, क्योंकि बैंड तो बजानी है और बजाते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।